हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा पहुंचने पर ओपीएस के मुद्दे को लेकर बयान दिया और बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है, जिसके चलते अभी प्रदेश को बाहर निकालना भी चुनौती है। सीएम ने कहा कि 75,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश के ऊपर है और इसके अलावा हमने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है। कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत योगदान है। शिक्षा संस्थान में शिक्षक पढ़ाने जाता है, पीडब्ल्यूडी में कोई भी जेई से लेकर टास्क फोर्स से लेकर सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश उन्नति की राह पर अगर अग्रसर है तो उसमें हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। आर्थिक संकट में जूझते गिरने के बाद पिछली सरकार ने जो 75,000 करोड़ का कर्ज हम पर छोड़ने के बावजूद और 10,000 सरकारी कर्मचारियों की देनदारी और के बाद भी हमने ओपीएस को लागू किया। हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में ओपीएस लागू करना लिखा था और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने ओपीएस लागू करके अपना पहला